हेलो दोस्तों, मैं पूनम आप सभी का क्रेव किचन में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम भारतीयों में रबड़ी बहुत पसंद की जाती है। इसे हम खुशी के मौके पर बनाते हैं। आज मैं एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट शेयर करने वाली हूँ, जिसे यूज करने से रबड़ी 5 मिनट में बन जाएगी। तो चलिए इस सीक्रेट इंग्रेडिएंट को यूज करके हम रबड़ी बनाते हैं। तो रबड़ी बनाने के हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं, मैंने ये फुल फैट मिल्क लिया है, ये 500 ml लिया है मैंने, आधा लीटर। इसी के साथ मैंने मिल्क पाउडर लिया है 4 बड़े चम्मच टेबलस्पून, और ये हमने गेहूं का आटा लिया है, ये है 2 बड़े चम्मच। साथ ही में मैंने आधा कप चीनी ली है, ये कुछ कटे हुए पिस्ता है, ये बादाम और काजू के मैंने पीसेस कर लिए हैं ऐसे, ये अपने हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हो। और मैंने आधा चम्मच इलायची पाउडर लिया है। तो सबसे पहले हम एक बाउल ले लेते हैं, उसमें ये हमने जो हो गेहूं का आटा लिया है इसे डालते हैं, साथ ही में हम मिल्क पाउडर डालते हैं और इन दोनों को हम मिक्स कर लेते हैं। दोनों चीज़ें मिक्स करके हमने जो दूध लिया था आधा लीटर, उसमें से थोड़ा थोड़ा दूध इसमें डाल के इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गेहूं की एक टेंडेंसी होती है आटे की कि वो लम्प्स में फॉर्म कर हो जाता है, तो इसलिए हमने इसे अच्छे से विस्क करके पूरा इसका अच्छा सा एक बैटर बना लेना है। देखिए फ्रेंड्स, ये पूरी तरह से अच्छे से मिक्स हो गया, इसमें कोई लम्प्स नहीं रहे हैं। तो अब हम गैस पे रबड़ी बनाना शुरू करते हैं। तो मेरा इसमें से आप देख सकते हैं 100 ml दूध लग गया है, ऑलमोस्ट पूरा नहीं लगा है। तो अब ये दूध को हम कढ़ाई में डालते हैं और गैस को ऑन करते हैं। सबसे पहले हमें इस दूध को बॉईल करना है, हम गैस को ऑन कर देते हैं और दूध को बॉईल करते हैं। दूध बॉईल होने तक हमें रुकना है। तो फ्रेंड्स, दूध हमारा बॉईल हो चुका है, इसे अब गैस को मैं स्लो करके ये जो हमने मिक्स करके बैटर बनाया है इसे हमने ऐसे ही नहीं डालना है, इसे भी मैं छाननी में से पोर करूँगी और साथ में मैं इसे नीचे मिक्स करती जाऊँगी कि लम्प्स फॉर्म ना हो। आप देख सकते हैं हमारा सारा इसमें से नीचे चला गया है इस तरह से। ये देखो, थोड़ा बहुत आटे का जो है रह गया है वो बाकी वो दिख रहा है इसमें, इस वजह से इसे छानना ज़रूरी है। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और एक बार फिर से इसे बॉईल होने देते हैं। तो इसे एक बॉईल आ चुका है, मैंने इसे कंटिन्यूसली ऐसे चलाते हुए ही पकाया है। अब इसमें हम शक्कर डाल देते हैं, शक्कर डाल के हम इसे फिर से मिक्स करेंगे ताकि जब तक हमारी शक्कर नहीं घुल जाए इसे हम अच्छे से चलाते रहेंगे। इसमें हमने आटा डाला है, इस वजह से हमने इसे लगातार चलाते हुए पकाना है, नहीं तो नीचे आटा जो है वो लग जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये जो रबड़ी है ये बहुत जल्दी और इंस्टेंटली बन जाती है। आमतौर पर जो हम रबड़ी बनाते हैं तो 2 लीटर दूध लेने के बाद वो आधा लीटर की पूरी, हम उसको गैस पे करते करते आधा लीटर की हो जाती है वो। लेकिन ये जो है हमारी रबड़ी, हमने आधा लीटर दूध लिया है और उसमें से आधा लीटर ही रबड़ी बनेगी। तो आप देख सकते हैं शक्कर अभी इसमें मिक्स हो रही है और हमारी जो रबड़ी है ऑलरेडी थिक हो गई है, और ठंडा होने के बाद तो ये और ज़्यादा थिक हो जाएगी। तो इसमें अब हम इलायची पाउडर भी ऐड कर देते हैं और साथ ही में हमने जो ड्राई फ्रूट्स ली हैं वो भी हम इसमें डाल देते हैं और बस एक बॉईल होने देते हैं इसे अच्छे से। और अगर आपको समझो थिक बनानी है रबड़ी, आपको किसी मतलब जैसे हो गया और इसके जलेबी के साथ या कोई आपकी ऐसी स्वीट डिश है जिसमें आपको थोड़ी सी थिक चाहिए, तो आप इसे थोड़ी देर अच्छे से बॉईल करते रहो स्लो गैस पे, ये और भी ज़्यादा थिक हो जाएगी। मेरे हिसाब से तो ये ऑलरेडी थिक है क्योंकि ठंडे होने के बाद ये और ज़्यादा थिक ही दिखने वाली है। तो हमारी जो ये रबड़ी है इंस्टेंट रबड़ी बिल्कुल तैयार है। अगर हमारे घर कोई अचानक से गेस्ट आ जाते हैं तो हम इसे 10 से 15 मिनट में बना के तैयार कर सकते हैं और अपने गेस्ट को सर्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी जो है रबड़ी बिल्कुल तैयार हो गई, एकदम थिक हो गई है। तो मैं इसमें केसर, दूध में मैंने केसर मिक्स करके रखा था, मैं इसमें डाल रही हूँ, ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद हो तो आप भी इसे डाल सकते हो। इसे डालने से थोड़ा सा रबड़ी का कलर जो है अच्छा दिखने लगता है। तो मैं इसमें ये डाल के इसे मिक्स कर लेती हूँ और
हमारी जो रबड़ी है इसे डालने के बाद एक बॉईल कर लेंगे। हमने इसमें कच्चा दूध डाला है, बॉईल करके हमारी रबड़ी बिल्कुल रेडी हो गई है सर्व करने के लिए। तो देखा दोस्तों, हमारा सीक्रेट इंग्रेडिएंट गेहूं का आटा था, जिसके वजह से रबड़ी बहुत जल्दी बनके तैयार हो गई है। आशा करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरे वीडियो पे कमेंट प्लीज करना।